बस वहीं पे बस वहीं पे रजिस्टर नीचे नहीं बस ये मेरा अड्डा नया क्या लग रहा आपको जी अच्छे लग रहे हैं बहुत स्मार्ट अच्छे लग रहे ना आप सिस्टमेटिक खड़े सब लोग सब सुधर गए मैं परेशान हूँ ऑटो में घूम घूम के परेशान हूँ ड्राइवर पप्पू का फोन आ रहा है कि दीदी मुझे माफ कर दो मैं आपके पैसे लेके भागा तीसरी बीवी के साथ ऐश कर रहा हूँ आपके पैसों से और आपने तो बवाल कर दिया आपका असली साथी तो मीडिया है हमको देवरिया में सबने पकड़ लिया है हम कहीं जा नहीं पा रहे योगी जी धन्यवाद आपका योगी जी यूपी जी यूपी में योगी जी ने पप्पू यादव को पकड़ के निकाल दिया अभी रो रो के फ़ोन कर रहा है वो दूर रहना नज़दीक नहीं आना दूर रहना हाँ ठीक है प्रेस वाला तो ठीक है मंजूर है प्रेस वाले को अलाउड है सवाल पाकिस्तान में खड़े होकर आप सवाल कर रहे हो बोलो पाकिस्तान मतलब काफी दूर हो ना ये मेरा एंगल ठीक नहीं है बताइए ये वाला एंगल अच्छा है इससे ट्रैफिक नहीं करना हाँ बोलो हाँ तो योगी जी के बारे में बता रही थी थैंक यू सो मच मेरे ड्राइवर को पकड़ के निकाला यूपी पुलिस ने देवरिया देवरिया समथिंग है इसको ऐसे चुकाई करो कि कोई राखी सावंत के पैसों को जिंदगी में हाथ लगाने की कोशिश न करे इसके लिए पप्पू यादव के ऐसी बैंड बजा दो यूपी पुलिस कि जिंदगी में कोई भी ड्राइवर अपनी मैडम के पैसे गोल्ड का फोन गाड़ी लेकर भागे नहीं क्योंकि मैडम है ना हम लोग बहुत विश्वास करते यूपी वालों पर बहुत विश्वास करते हैं और एक के कारण दूसरों को सबको नहीं दोष देना चाहिए यूपी वाले बहुत ईमानदार हैं लेकिन ये जो है पप्पू यादव ये रावण का भाई निकला बताओ रावण का भतीजा भतीजा है क्या चलो भतीजा से कुंभकर्ण की आई रावण आई तो उसके कई तो ये एक मिनट आप क्या बोल रहे हैं अपना क्या क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आता जो हमारे भेजे में जाए वो ऐसी कुछ बात करो भाई हम बोलिए रखिए आप तो ये बात ऐसा है कि उसका फ़ोन आ रहा है रो रहा है पहली बीवी ने छोड़ दिया दूसरी ने छोड़ दिया तीसरी छोड़ने पर है तो थैंक यू सो मच मुझे ये सोचना है कि ये कितने लोग के पैसे पप्पू यादव तो पैसे लेके भागा होगा जो राखी सावंत के बुरा करता है ना राखी सावंत को राखी सावंत किसी को नहीं छोड़ती है तुम पाताल में से घुस जाओगे वहाँ से भी ढूंढ के निकालेगी जहन्नुम में से भी राखी सावंत ऐसा नाम है ना राखी सावंत ऐसा नाम है मीडिया हमेशा उसके साथ रहती है तो किस कौन सा भी पैसा जेवर किधर भी पाताल में से भी या किसी किधर भी छुप जाओ तुम ढूंढ के तो मैं निकालूंगी पुलिस ने ढूंढ के निकाल लिया उसको मेरा पैसा मेरा फोन मेरा सब कुछ आप लोग को शायद पता नहीं है मैं इतनी परेशान हूँ मैं बारिश में मेरे बालों की हालत देखो कितने खराब हो गए जब आप बाल धो के आते आप बारिश में बाल भीग जाते हैं ना लंबे बाल है मेरे तो क्या हालत हो जाती है आप यू कैन अंडरस्टैंड और एवरीडे शैम्पू करना यू नो रोज़ आइनिंग करना रोज़ बालों को ये करना कितनी तकलीफ वाला काम है सो मैं ऑटो में घूम रही हूँ मेरी जगह मर्सिडीज लैंड क्रूजर कारों में है मेरी जगह और ये हेलो तुम बीच में म्यूजिक का बजा रहे हो इसी के मुस्कुराहट पे यहाँ पे तुमको मुस्कुराहट दिख रही है क्या मेरे मुँह पे बीच में गाना बजा रहे हो तो आप समझ रहे हो ना और मैं ऑटो में घूम रही हूँ मुंबई में जस्ट बिकॉज ऑफ ये पप्पू यादव ये गधे के कारण है क्योंकि इस पर मैंने ट्रस्ट किया रीना उसकी बहन है उसकी माँ बेचारी मेरे घर में दो बार आना चाह रही देखे पैसे तो हम ऐसे ही बांट रहे मेरे से प्यार से मांगता ना इज्जत से मांगता ना तो मैं दे देती आप समझ रहे हो लेकिन चोरी करके गया और अभी दो मिनट पहले फ़ोन आया लगाओ फोन फोन लगाओ चुप बैठोगे फोन लगा के
उड़ गई ना बोला ना उड़ गई क्या डर के मारे नहीं उठा रहे फोन वो राखी जी आपको फोन मिल गया वापस उसी वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई है मेरे पैसे चुरा के फोन पे भाग रहे छोड़ो उसका आएगा फोन हाँ वो भाई बोलो बहुत सारे लोग हैं आगे पीछे किसकी किस किस की हो रही है अरे ओटीटी है ना तो ओटीटी में ये यूट्यूबर लोग जाने दो कुछ नहीं होता है कोई कितना भी यूट्यूबर उभर कर जाए अंदर जाके सबके फटके आते हैं आ जाते हैं कुछ नहीं होता अंदर सिर्फ ड्रामेबाज लोग चाहिए होते हैं और यू नो रोमांटिक लफड़े झगड़े ये सब वाले मुर्दा लोग के अंदर बिग बॉस में कोई काम नहीं यूट्यूबर एक डिफरेंट होता है और बिग बॉस में जो लोग चाहिए वो डिफरेंट कैटेगरी लोग चाहिए जो कि मेरे जैसे लोग जैसे कि हम लोग एंटरटेन अच्छा खतरों के खिलाड़ी में जो खतरों का खिलाड़ी है उसका कल परसों लाइव टेलीकास्ट हो चुका है ओ मैडम हेलो हम छापने वाले हैं छपने वाले काफी ज्यादा मत ठीक है और दुबई आ रहे हो हाँ अरे मेरी हालत देखो बारिश में बाहर भीग के अब ये बाल देखो ऐसा लग रहा है कि बर्तन धोने के बारिश आ गई बर्तन किसी को धोने के काम आएंगे ऐसे लग रहे बारिश आ गई बाय बाय राजी जी बाय एक वॉक 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 बारिश आई तो आई अब मैं क्या कर सकती हूँ बारिश में भी एक ड्राइवर धमका नहीं मिल रहा मुझे एक ड्राइवर वो ईमानदार ड्राइवर है ढूंढते हैं प्लीज मेरे पास चुप रहे हाँ पप्पू हाँ बोलो अरे पैसे चुरा के क्यों मारे मेरे हाँ नहीं नहीं तूने पैसा चुरा के क्यों भागा तू देखो मैंने फोन बनाने दिया था तुझे मैंने फोन बनाने पैसा दिया था पैसा चुरा के क्यों भागा तीसरी बीवी के साथ तेरी तो अभी ऐसे पुलिस स्टेशन में ठुका तू कितना भागेगा कितनी दूर भागेगा तेरी तेरी जो देवरिया की पुलिस है ना तेरे को ढूंढ रही है अभी और आ गया बीच में तूने तू चाबी चुरा के भागा
गोल्ड का फोन चुरा के भागा, सब कुछ चुरा के भागा ना, अभी तो पुलिस स्टेशन आ, पुलिस स्टेशन में तू आ। ठीक है बस हो गया। हाँ दीदी अभी जो तेरा तेरे जो अभी बस भाई तू जल्दी से तू ओशवारा पुलिस स्टेशन में आ। अभी तो तू गांव पहुंच गया ना, देवरिया पहुंच गया ना, होटल में रुका है ना, होटल में रुका है ना तू, होटल में रुका है ना, मुझे सब मालूम। कितना भागेगा तू, कहाँ तक तेरी पहुँच है? हाँ कितना भागेगा तू, कितना भागेगा तू? तो तेरा आधार कार्ड किधर है? तो आजा आजा मुंबई आ, सामने बैठ। कांदी वाली में? अच्छा आ गया, तो आजा फिर घर पे आ। कांदी वाली में तो घर पे आ, जल्दी आ। नहीं 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 तू नहीं नहीं तू अभी पहले घर पे आ। तुम जो पैसा लेके भागा है ना चोरी करके, ठीक है मेरा पैसा ट्रांसफर मार दे, मैं केस वापस ले लेती हूँ तेरे, यूपी से भी मार ले लेती हूँ और ओशिवारा से भी ले लेती हूँ, मेरे पैसे ट्रांसफर मार। तो पुलिस से बात कर, पुलिस से बात कर, चलो पुलिस से बात कर, नहीं पुलिस से बात कर तू, आजा आजा पुलिस से बात कर। अजय थोड़ा उधर कर, पुलिस से बात कर, पैसा जो चोरी करके भागा है ना पुलिस से बात कर। काम में था सही बात है, आ जा। गोल्ड का फोन किधर है? मेरा गोल्ड का फोन किधर है? तेरी बहन को लेकर आ जा रही ना, को जिसने तेरे को काम पे लगाया ना, तेरी बहन को लेकर जल्दी आ। बस करते रहे, तू अभी पुलिस स्टेशन आ जल्दी आ।